बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी कोरियन किमची। फ्रेंड्स, कोरियन किमची सैलेड के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। ये बहुत स्पाइसी और डिलीशियस होती है। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। किमची बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने लिए हैं 3 खीरे, बारीक कटी हुई गाजर, बारीक कटा हुआ प्याज, 4 से 5 लहसुन के जवे चॉप किए हुए, 2 चम्मच मैंने लिए हैं सोया सॉस के, 2 चम्मच मैंने लिए हैं लाल मिर्ची पाउडर के, 1 चम्मच मैंने लिए हैं चीनी का, 1/2 चम्मच मैंने लिए हैं नमक का और 1 कप पानी। सबसे पहले फ्रेंड्स हम खीरे को कट करेंगे 1/2 इंच छोड़ के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स इस तरह हम खीरे को कट कर लेंगे। बाकी खीरों को भी हम इसी तरह कट करेंगे। अब फ्रेंड्स मैंने तीनों खीरों को कट कर लिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक लगा के थोड़ी देर के लिए इसको रख दूंगी ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। अब मैंने खीरों के अंदर नमक लगा दिया। अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको रख दूंगी ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए, फिर बाद में हम इनको धो के रखेंगे। मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें मैं डालूंगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉप किया हुआ लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 कप पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी इन सब चीज़ों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिक्स करूंगी। खीरों को मैंने धो लिया था, जो इसमें नमक था वो मैंने निकाल दिया और पानी से अच्छे से धो लिया। अब मैं इसकी फिलिंग करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बाकी के भी मैं फिल करके रख लूंगी। स्पाइसी कोरियन किमची रेडी है। मैं थोड़े से तिल भी ऐड करूंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और इस रेसिपी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।